नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार है। मैंने BMS रोहतक पीजीआई की तरफ से की है। आज से मैं आपके आपके लिए गृहिणी रोग के ऊपर एक लेक्चर सीरीज लेकर आया। तो चलो शुरू करते हैं। अब आयुर्वेद के अंदर गृहिणी रोग को संगृहिणी के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसको इंडियन स्प्रू या फिर ड्यूडिनल डायरिया भी कहा जाता है। तो चलो पढ़ते हैं मदन विधान का पहला श्लोक। अति सारे निवर्ति अभी मंदाग्ने रहित आसीन है बुह सह दूषितो व्रीहि गृहिणी गृणाम अभी दूषयेत। मतलब क्या है? अतिसार के निवृत्ति होने पर या फिर अतिसार के निवृत्त ना होने पर भी जब मंदाग्नि होती है, तब होने पर जो मनुष्य अपथ्य भोजन करता है उसकी जठराग्नि और भी मंद हो जाती है। अग्नि के दूषित होने से गृहिणी और भी दूषित हो जाती है, और गृहिणी के दूषित होने पर गृहिणी रोग हो जाता है। अतिसार के निवृत्त होने पर जब अतिसार ठीक हो जाता है तब अपनी अग्नि मंद होती है। कहा होगा, विरेचन करवाने पर यदि हम किसी पेशेंट का पंचकर्म के अनुसार विरेचन करवाते हैं तब उसकी अग्नि मंद हो जाती है। तो पेशेंट को कहा जाता है कि संशोधन क्रम का पालन करे। संशोधन क्रम क्या होता है कि धीरे 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 अपने डाइजेशन को बढ़ाने की प्रक्रिया को संशोधन क्रम कहा जाता है। इसमें पहले दिन यूस दिया जाता है, फिर कृत यूस, उसको कृत यूस कहते हैं, अकृत यूस दिया जाता है, फिर मांस रस दिया जाता है। इसी प्रकार आगे आगे समय के अनुसार बढ़ाते प्रत्येक क्रम के अनुसार हमें संसर्जन क्रम के द्वारा अग्नि को बढ़ाया जाता है। चलो इस श्लोक के ऊपर जो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आए थे मैं उनके थ्रू आपको समझाने के कोशिश करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, अतिसार व्याधि और गृहिणी रोग में क्या संबंध है? मानव निदान में अतिसार के पश्चात गृहिणी रोग का वर्णन है, क्योंकि दोनों व्याधि में बार बार मल का त्यागना पड़ता है और मल तरल रूप में आता है। यही संबंध अतिसार और गृहिणी में है कि दोनों के अंदर मल बार बार आता है, और कब अतिसार के अंदर अत्यधिक पतला मल आता है, गृहिणी के अंदर मल बंधा हुआ भी आ सकता है। अगर मल गृहिणी के अंदर बंधा हुआ आता है तो उसको हम वातस दृष्टि के कारण गृहिणी रोग कहा जाता है। अगर मल ज्यादा पतला आता है तो उसको पीतज दृष्टि के कारण गृहिणी रोग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्या गृहिणी रोग अतिसार के बाद ही होता है और गृहिणी रोग का क्या कारण है? गृहिणी रोग बिना अतिसार व्याधि की सहायता के भी हो सकता है, जैसा कि श्लोक में बताया गया है। और जब कोई व्यक्ति मंदाग्नि के होते हुए भी अपथ्याहार का प्रयोग करता है, यानी कि अग्नि मंद है लेकिन फिर भी जो पेशेंट है वो बार 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 खाना खाने का शौकीन ज्यादा है, खाता रहता है, तो अग्नि मंद है, फिर वो ऊपर से और खाना खा रहा है तो अग्नि और ज्यादा मंद हो जाती है। और जठराग्नि, इससे जठराग्नि अग्नि बात बराबर ही है, जठराग्नि को दूषित करता है, मंद हो जाती है, दूषित हो जाती है, जिससे गृहिणी भी दूषित हो जाती है और वह रोग गृहिणी रोग से पीड़ित हो जाता है। वट इज दिस ऑर्गन गृहिणी? तो इतना हमने गृहिणी के बारे में बोल दिया, तो गृहिणी है क्या और गृहिणी क्या है और उसके काम क्या क्या है, चलो उसका बताते हैं। आयुर्वेद के अनुसार 7 कलाएं होती हैं जो शरीर को धारण करती है। मांसदरा कला पहली है, मांसदर कला। मांसदर कला जो मांस सारे शरीर के जितना भी मांस होता है, मांस को जो धारण करती है उसको मांसदरा कला कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू इसके अंदर आते हैं। रक्तधरा कला जो रक्त को धारण करती है, अपनी ये आ गई कंडरा, शिरा, धमनी, ये सब रक्तधरा कला में आती है, जिनके अंदर से रक्त बहता है। फिर आता है मेदोधरा कला, जो फैट को धारण करती है, वो कला फैट मेदोधरा कला कहलाती है। श्लेष्मधर कला जहाँ से जहाँ म्यूकस होता है, जितना भी म्यूकस होता है वो श्लेष्मधर कला के अंदर आता है। जैसे कि जितने भी जोड़ हैं अपने, उनके अंदर एक फ्लूड होता है,
जो श्लेष्म होता है, जो श्लेष्म कब कहते हैं उसको, जो अपने शरीर के अंदर मूवमेंट को बनाए रखता है और घर्षण को कम करता है, वो श्लेष्म धरा के कला के अंदर आता है। जैसे ये बॉडी के अंदर मूवमेंट हो रही है, श्लेष्म धरा श्लेष्म के द्वारा हो रही है, यानी कि म्यूकस कफ कफ की वजह से हो रही है। पुरुष धरा कला, पुरुष को धारण करने वाली जो कला है उसको पुरुष धरा कला कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन इसके अंदर आता है, लार्ज इंटेस्टाइन इसके अंदर आता है, जो अपने कान का मैल है जहां पर वो स्टोर होता है उसको, वो यहाँ पे आता है। अपना मूत्र, मूत्र आता है इसके अंदर, यूरिन ब्लेडर के अंदर मूत्र रहता है, इकट्ठा होता है, फिर वो निकलता है, तो वहां पर वो धारण हो गया पुरुष का मूत्र का। पुरुष धरकला के अंदर बल आते हैं सभी, तो मूत्र का धारण वहां होता है, तो वह भी पुरुष धरकला के अंदर ही आता है। पित्त धरकला, जो जो जगह जिस जगह पर पित्त का धारण होता है उसको पित्त धरकला कहते हैं। पित्त धरकला जैसे लीवर, लीवर के अंदर लीवर लीवर में पित्त बनता है, गाल ब्लैडर के अंदर वो इकट्ठा होता है, तो गाल ब्लैडर को पित्त धरकला का एक ऑर्गन माना जाता है, अंग जी। इसके अंदर स्प्लीन भी आता है पित्त धरकला के अंदर। मेन तौर पर इसके अंदर पित्त धरकला में ग्रहणी आती है। ग्रहणी क्यों आती है, जब अपने जब स्टोमक से, आमाशय से भोजन, अपचा हुआ भोजन, अपगा भोजन निकल कर ग्रहणी के अंदर आता है, वो कौन कौन सा है, डुडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो भाग होता है डुडेनम, वहां पर भोजन पित्त धरकला के बाद, पित्त धरा अमाशय के बाद ग्रहणी के अंदर डुडेनम के अंदर वो आता है, जिसका जहां पर वह है भोजन अन्न पचकर अपगव आता है, फिर पगव होने के बाद, पचने के बाद, अब्जॉर्प्शन होने के बाद वह आगे लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ जाता है, जिससे शरीर का में शरीर का पोषण होता है। तब ग्रहणी, चलो ये हो गया। शुक्रधरा गला, शुक्रधरा जहां पर जैसे टेस्टिस सीमन बनता है और यहाँ पे इकट्ठा होता है, वहां पे उसको शुक्रधरा गला कहते हैं। इसमें आपको अच्छे तरीके से लिखा हुआ है मैंने, पित्तधरा गला को ही ग्रहणी कहते हैं। ग्रहणी का मतलब रसोई पाकशाला होता है, ग्रहणी जठराग्नि की जंगा है, और यह अग्नि अमाशय से आए हुए अन्न को पचाती है। देखो अन्न को पचाती है, और यह अग्नि ही अन्न को पचाने का और शरीर के पोषण में महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रहणी स्मॉल इंटेस्टाइन में को कहा जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर अन्न के पाचन के पश्चात ही अन्न वृद्धांत यानी के लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर तब जाता है। चलो अब जब ग्रहणी दूषित हो जाती है, अग्नि मंदा है, किसी पेशेंट ने बार 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 भोजन अपत्य आहार का प्रयोग किया मंद अग्नि से, पर उसने भोजन का दबाव ज्यादा डाला कि इसको पचाए पचाए, तो अग्नि वो पचा नहीं पाएगी, अग्नि पचा नहीं पाएगी तो फिर डुडेनम के अंदर भोजन पचेगा नहीं, पचेगा नहीं तो फिर ऊपर से प्रेशर आ रहा है अमाशय के अंदर, वो आ रहा है अमाशय के अंदर, अमाशय अंदर डुडेनम के अंदर भेज रहा है, लेकिन अग्नि इतनी ताकतवर नहीं है कि आने हुए भोजन को वह पचाकर जल्दी से नीचे गिरे, तो वह अपक भोजन ही छोटी आंत से, ग्रहणी से निकलकर बड़ी आंत के अंदर चला जाता है, जिसके कारण अग्नि और ज्यादा दूषित हो जाती है, ग्रहणी और ज्यादा दूषित हो जाती है, और फिर वह बिना पचा हुआ भोजन अपने मल के रस, मल द्वार के रास्ते से बाहर आ जाता है। यह स्थिति बहुत बार होती रहती है, होती रहती है, तो उसके बाद और अग्नि के ऊपर पेशेंट ध्यान नहीं देता है, अग्नि मंद होती रहती है, मंद ही रहती है, तो वह भोजन वहां से उस रास्ते से निकल जाता है। यही ग्रहणी रोग है। ग्रहणी रोग के आगे क्या लक्षण है, बार बार मल त्यागना, खाना खाते ही इसकी सबसे पहली पहचान यही है। पेशेंट कहता है कि मैं अगर खाने के लिए बैठा हूं तो मैंने खाना खाया तो क्या बताऊं, मेरे को बीच में ही जाना पड़े, खाने के बीच के अंदर ही मल को त्यागना पड़े, ये तो ज्यादा क्रोनिक स्टेज हो जाती है। लेकिन पेशेंट जो पहला पे शुरुआत का पेशेंट होते हैं वो कहते हैं कि हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद ही हम मल त्यागने के लिए जाना पड़ता है, हमें ये बीमारी है, हमारा वजन घट रहा है। चलो वो हम आगे के पार्ट के अंदर
इसके ग्रहण की संप्राप्ति और लक्षण के बारे में आगे बताएंगे। आप सभी का धन्यवाद, आपने मुझे सुना। किसी भी प्रकार की शारीरिक कमजोरी या फिर किसी भी रोग के बारे में जानकारी के लिए सभी वैद्यों को मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखा हुआ है, आप मुझसे किसी भी प्रकार की बीमारी के बारे में पूछ सकते हैं। अन्यथा और जो भी दर्शक मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी शरीर के ज्ञान को चाहते हैं और जो उन्हें देख रहे हैं, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।